नमस्कार, आप देख रहे हैं अंग न्यूज रफ्तार और मैं हूं मोना। 24 दिसंबर को यादव महासम्मेलन को सफल बनाने के लिए हुई बैठक, जुटे कई राज्यों से पदाधिकारी। अखिल भारतीय यादव महासभा भागलपुर इकाई के द्वारा आगामी 24 दिसंबर को होने वाले यादव महासम्मेलन के विशाल आयोजन को लेकर स्थानीय विवाह भवन में बैठक की गई। इस बैठक में देश के कई राज्यों से यादव समुदाय के लोगों ने शिरकत किया और इस सम्मेलन को सफल बनाने में अपनी भागीदारी देने और ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों के जुटने की अपील भी की। बता दें कि अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा द्वारा भागलपुर के संडिस कंपाउंड में 24 दिसंबर को यादव जातियों का एक विशाल महासभा का आयोजन होगा, जहां लाखों की संख्या में नामचीन यादव जाति के लोग हिस्सा लेने की अनुमान है। वहीं भागलपुर के एक विवाह भवन में आज की यह बैठक की गई, जिसमें अखिल भारतीय यादव महासम्मेलन के दर्जनों पदाधिकारी और सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। सबको मेरा नमस्कार। मैं जगदीश यादव, अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, दिल्ली सरकार में अदर बैकवर्ड क्लासेस कमीशन का मैं चेयरमैन हूँ। आज हम भागलपुर की धरती को नमन करते हुए आज यहाँ यादव महासभा का यह हमारा प्रांतीय महासम्मेलन है, उसमें हम भाग लेने के लिए आए हैं। अभी प्रारंभ में ये हमारी बिहार की जो राष्ट्रीय इनकी कार्यकारिणी है प्रदेश की, आज उनके साथ विचार विमर्श है और मैं बधाई देता हूँ यहाँ की सरकार को और ख़ास तौर पर भागलपुर के निवासियों को, जिन्होंने इस राजनीति का एक नया मोड़ दिया है। यहाँ जातीय जनगणना कराकर जो देश में एक इतिहास रचा है, उससे पिछड़े वर्ग के लोगों को, खास तौर पर जो बाबा भीमराव अंबेडकर का जो सपना था उनकी प्रगति उन्नति के लिए काम करने का, जो बाबा कालेलकर आयोग बना था उसमें पहली जनगणना 1931 में हुई, उससे ये था कि किस जाति को हम कितना विकास के लिए बजट दें। ये एक पूरे देश के अंदर हर पिछड़े वर्ग को, एससी एसटी के लोगों की, मराठी के लोगों की एक इच्छा थी कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, इस पर काम होना चाहिए। ये पहल यहाँ बिहार की सरकार ने किया, मैं उनको बधाई देता हूँ। आज यहाँ की बिहार यादव महासभा ने जो ये सम्मेलन किया है उसका ये शुभारंभ है और कल जो एक ओपन हमारा सम्मेलन रहेगा उसमें हम सब लोग भाग लेंगे और उम्मीद है कि वो बेहतरीन और बहुत अच्छा होगा। सर, ये यादव महासभा के इस प्रांतीय अधिवेशन में सब लोग हम लोग आए हैं और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जब भी देश को ज़रूरत हुई है, हमारे समाज के लोगों ने हमेशा देश के लिए कुर्बानियाँ दी है। हमारे देश के युवाओं की एक मांग है अहिर रेजिमेंट की, उसके लिए हम पूरे देश में संघर्ष कर रहे हैं और उसको जगह जगह पर, प्रत्येक प्रांत में, प्रत्येक ज़िले में, घर घर में हम लेके जाएंगे। चाहे 1857 की क्रांति की बात करें, राव तुलाराम जी उसमें शहीद हुए थे, उन्होंने लड़ाई लड़ी थी अंग्रेज़ों के खिलाफ। कारगिल के युद्ध की बात करें, संसद पर हमले में भी हमारे जगदीश यादव जी वहाँ राजस्थान के थे, वो जो शहीद हुए थे। तो हर जगह पर जब भी देश में कोई आफत आई है, यादव हर मोर्चे पर लड़ा है और हमारी जो अहिर रेजिमेंट की मांग है उसको हम सब जगह लेके जाएंगे। और भारतवर्षीय यादव महासभा के प्रस्तावित कल 24 दिसंबर को संडिस कंपाउंड भागलपुर में यादव का भव्य सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें पूरे भारतवर्ष से
विधायक, पूर्व विधायक, सांसद, वर्तमान और विधान पार्षद के साथ साथ यादव समुदाय के लमसम 100 नेता शामिल हो रहे हैं, जिसमें जगदीश यादव दिल्ली ओबीसी के चेयरमैन जो कि मंचा से आज आ चुके हैं। इनके अलावे भोजपुरी के सुपरस्टार टुनटुन यादव जी का भी आगमन हो रहा है। मैं आप सभी प्रेस के माध्यम से समस्त भागलपुर यदुवंशी परिवार को आग्रह और विनती कर रहा हूँ कि कल के यादव सम्मेलन में आप लोग आएँ और यादव सम्मेलन को सफल बनाएं। यह किसी भी राजनीतिक पार्टी से संबंध नहीं है इस सम्मेलन का, यह पूर्ण रूप से सामाजिक सम्मेलन है और यह जातिगत जो विशेष करके यादव समुदाय के उत्थान का सम्मेलन है।